केस की बहस हो गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुरक्षित रखा है। इस केस में उनके तरफ से ये बहस हो रहा था कि बार बार की नीतीश कुमार जी ने रजिस्टर कराया एफआईआर को और पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। हमने बताया कि देखिए इस केस में एक पिता जस्टिस मांग रहा है अपने बेटे के मौत का, और एक ऐसा पिता जिसका इकलौता बेटा था जो उसको मुख अग्नि देता उसके मरने पर, वो आज उसके नहीं रहने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली पिता को पटना में ही फील करना पड़ेगा। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो भी पटना में फील होगा। इसलिए जो इन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उसका हमने जवाब दिया कि देखिए इन्होंने प्रेस क्लिपिंग्स लगाए हैं, लेकिन हमने कोई प्रेस क्लिपिंग नहीं लगाया जिसमें तमाम प्रेस कह रही है कि वहां भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। हमने कहा नहीं, हमारे तरफ से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम वही काम करें जो वो कर रहे हैं कि प्रेस क्लिपिंग लगा करके एक क्रिमिनल केस को गलत अंजाम देना चाह रहे हैं। लेकिन हमने ये बताया है कि ज्यूरिसडिक्शन डेफिनेटली पटना में है। यहाँ इस केस में जज साहब ने उनके रिया के वकील से बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो खुद ही सीबीआई मांगा था, आज भी आपने एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें आप सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से आप एग्रीएबल हैं, तो रियली स्पीकिंग इस ऑब्जर्वेशन के बाद, पिटिशनर के ऑब्जर्वेशन के बाद इस मामले में कुछ बचता नहीं है। लेकिन चूंकि बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट हुई है और ये मामला जो है एक कानून तय करेगा आगे के लिए इस तरह के मामले में कि जहां पर एक क्राइम का कॉन्सिक्वेंस फेल्ट होता है वहां पर केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑल्दो एकेडमिक रह गया है सीबीआई में जाने के बाद, लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य होगा और एक नई एक ज्यूरिसप्रूडेंस, क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का एक एवोल्यूशन होगा। धन्यवाद।